हाय गाइस, मैं हूँ महेश एंड वेलकम टू ऑल इन मी। गाइस, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अपने एसआईपी को, म्यूचुअल फंड एसआईपी को स्टॉप कैसे करते हैं और उसे रिडीम कैसे करते हैं, मतलब विड्रॉल कैसे करते हैं एमजे इन्वेस्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो हमें सीधे एमजे ई वेल्थ अकाउंट को ओपन कर लेना है। हमें सीधे ई वेल्थ के एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमें लॉगिन कर लेना है उसमें। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पे अपना पोर्टफोलियो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसके बाद हमें नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और म्यूचुअल फंड के ऊपर क्लिक करना है। म्यूचुअल फंड के ऊपर क्लिक करने के बाद जो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा, परचेस बाय एसआईपी, उसके ऊपर हमें क्लिक करना है। उसके बाद हमें लाइव सिस्टमेटिक प्लान के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद एसआईपी के नीचे लिखा होगा एग्जिस्टिंग टॉप अप एसआईपी, उसके ऊपर हमें क्लिक करना है। यहाँ से हम स्टॉप एसआईपी के ऊपर क्लिक करेंगे एंड फिर से स्टॉप एसआईपी के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे पूछेगा कि आप डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं एसआईपी को, तो हमें सीधे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ये पूछेगा, प्लीज़ लेट अस नो द रीज़न यू स्टॉप योर एसआईपी। तो आप इसमें से कोई भी एक रीज़न सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सिलेक्ट करूँगा, मैं एसआईपी ऑब्जेक्टिव इज़ कम्प्लीटेड, उसके ऊपर टिक करके हमें सीधे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो एसआईपी सक्सेसफुल ऐसा शो हो जाएगा। योर स्टॉप एसआईपी रिक्वेस्ट फॉर एसआईपी हैज बीन पोस्टेड सक्सेसफुली, वी विल प्रोसीड इट विद इन 15 डेज अप्रोक्सीमेटली, योर इंस्टॉलमेंट विल बी टेकन अप बाय द प्रोसेसिंग इफ इट्स फॉल इन नेक्स्ट 15 डेज। तो ऐसा आपको दिख जाएगा। तो अपनी एसआईपी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली हो गई है। उसके बाद हमें फिर से बैग आ जाना है। उसके बाद हमें फिर से, हमारी एसआईपी तो अभी स्टॉप हो गई, अब हम रिडीम करेंगे, तो हमें सेकंड ऑप्शन चूज करना है। तो ये देखो, रिवोक स्टॉप एसआईपी। तो हमारी एसआईपी स्टॉप हो गई है, तो हमें सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है, रिडीम सेल। फिर से हमें म्यूचुअल फंड में ही जाना है, रिडीम के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हमें ट्रांजेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। ट्रांजेक्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिडेम्पशन में आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान मतलब एसडब्ल्यूपी, अदरवाइज फुल रिडेम्पशन। तो आप इसमें से आप चूज़ कर लेना। तो मैं फुल रिडेम्पशन के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद हमें नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो ये पूछ रहा है आपको कितनी अमाउंट विड्रॉल करनी है, पार्शियली विड्रॉल करना है या फुल विड्रॉल करना है। तो आप अपने हिसाब से इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं फुल विड्रॉल के ऊपर क्लिक करूँगा। फुल विड्रॉल के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें अपने बैंक अकाउंट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर क्लिक करके हमें कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ये पूछेगा कि आपकी क्वांटिटी इतनी है, इतनी इतनी अमाउंट आपको आ जाएगी और कब तक ये पे आउट आपके बैंक में आ जाएगा, वो भी डेट यहाँ पे शो कर देगी। उसके बाद हमें कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। कंफर्म करने के बाद योर ट्रांजेक्शन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, तो अपनी विड्रॉल ट्रांजेक्शन भी सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और विद इन 4 to 5 वर्किंग डेज में ये आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो आपका रिडीम ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया है। तो ऐसे ही हम एनजे ई वेल्थ अकाउंट में अपने म्यूचुअल फंड को विड्रॉल कर सकते हैं या स्टॉप भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।